कहते हैं गुस्से में हमेशा हाथ पर और जुबा पर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से पर अगर आप किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो चाहे आप कितने भी माफी मांगो, कुछ भी करो, लेकिन वो बोले हुए बात कभी वापस नहीं आएगा। अगर हाथ उठा देंगे, छोटे हो बड़े हो, किसी को हाथ उठाना चाहिए नहीं उठाना चाहिए, हाथ उठा देंगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक, मेरे चैनल में स्वागत है। गुस्से गुस्से में कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं इसी के ऊपर एक सच्ची कहानी बताने वाली हूँ। वीडियो में बने रहिए, अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। हमारे घर की साइड में एक घर है, वो लोग बहुत अमीर है। उनके तीन लड़का है एक लड़की है, लड़की को ज़्यादा प्यार करते हैं। वो चाहते थे मतलब वो शादी करवा के घर में ही रखेंगे उसको, लड़की को घर जमाई बना कर रखेंगे, जिसके साथ वो शादी करेगा वो घर जमाई बन के रहेगा। ऐसे फाइनल हुआ, एक लड़का के साथ उसको शादी कर दी उसके बेटी को। वो लड़का सीबीआई था, सीबीआई में बड़ा पोस्ट में था, वो शादी करके उसके साथ रहने लगा। ऐसे करके एक दिन क्या हुआ, वो हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद उसके वो सीबीआई का लड़का था ना, उसके बीवी के ऊपर एक थप्पड़ लगा दिया उसके माँ बाप के सामने। उसके पापा की तो वो परी थी, वो पापा उसको पलक पर मतलब बिठा कर रखते थे, कोई भी कुछ नहीं करते थे, कुछ भी बोलते नहीं थे, ज़्यादा प्यार था इसलिए तो उसको घर जमाई बना कर रखे। वो उनको गुस्सा आ गया, वो क्या किए आके उनको मारने लगे, उनको जमाई को बड़ा गुस्सा आ गया। वो पहले से घर जमाई बनकर रह रहा था, कि क्या बोला उसके बीबी को, बोला हमको इधर नहीं रहना है, हम अब इधर नहीं रहेंगे, तुम हमारे साथ चलो, नहीं जाओगे तो मैं चला जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए। उसका बीवी बोली मैं नहीं जाऊँगा, गलती तुम्हारी थी, तुमने झगड़ा किया, तुमने मारा, गलती तुम्हारी थी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी। वो अगर वो बड़े हैं मार दिए तो क्या हुआ, मैं नहीं आऊँगी। उसके पति ने बोला तुम नहीं आओगे तो हम हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ देंगे। वैसे गुस्सा करके वो भी नहीं गई, वो उसका पति ने छोड़ के फाइनली चले गए। ऐसे करके बहुत दिन हो गया, किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने माफ़ी नहीं मांगा। ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया, बहुत साल निकल गया। उसके बीवी को मतलब एहसास हुआ, मतलब हमने गलती कर दी, हमको जाना चाहिए था, कुछ भी हो जाए अभी हम माफ़ी मांगेंगे और उनके साथ जाके रहेंगे। उसके बाद वो फ़ोन करने लगा, माफ़ी मांगने लगा, सॉरी बोलने लगा, घर वालों के साइड से बहुत माफ़ी मांगा, हम अभी आपके साथ जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, हमारी गलती हो गई, माफ़ कर दो। लेकिन वो लड़का उसको माफ़ नहीं किया, क्योंकि उसको जो बाहर का हवा लग चुका था, वो शादी तो नहीं किया था दूसरी बार, लेकिन इधर उधर लड़की के साथ जाना, ऐसी करना, उसका ही आदत लग गया था। उसकी बीवी के साथ उसको मतलब कोई भी अफेक्शन नहीं थी, कोई लव नहीं था। इसके दौरान उनकी एक बेटी हो गई थी। फिर वो लड़का वापस कभी नहीं आया, क्योंकि उसके भाई तो खुद ही गवार था, उसकी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका जो भाई था वो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाया था लिखाया था, उसकी वजह से वो सीबीआई बना था, वो मना नहीं कर पाया। फाइनली दोनों आए, आने के बाद इसी दौरान पति पत्नी के बीच में थोड़ा बातचीत हुआ, फिर वो बहुत माफ़ी मांगने लगी, बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको तो बाहर का हवा लग चुका था, वो नहीं आ रहा था। ऐसे करते करते फिर और कितना साल बीत गया, उसकी बेटी कॉलेज पढ़ने लगी, कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके बाद ऐसे थोड़ा बहुत दिन के बाद ऐसे मिलने आता था, फिर चला जाता था वो जो लड़का था। ऐसे करते करते फाइनली दोनों मतलब डिसाइड किए, नहीं जो हो गया सो हो गया, अब साथ में रहेंगे, बाकी क्या जिंदगी साथ में काटेंगे। दोनों का गलती था, ऐसे करना नहीं चाहिए था, दोनों का एहसास हुआ। इसके दौरान क्या हुआ, वो लड़का का किसी को कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि किसी को वो इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, मतलब ये मेरी फैमिली है। उसके बाद वो फाइनली उसकी बेटी को वो जॉब मिल गई, उसकी शादी हो गई। वो शादी होने के बाद वो दूसरी जगह में चली गई लड़की। वो इसी तरह क्या हुआ, वो उसका मम्मी जो थी ना सीबीआई का बीबी, उसके पापा बोले मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो गया, चेन्नई में एक ही घर है उसके, 1 करोड़ का एक घर उसके नाम पे कर दिए। इसके लिए उनका जो तीन बेटा थे माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिए, मतलब वो शादी हो चुकी है, उसका पति भी जॉब करता है, तुम सब कुछ बढ़ा चढ़ा के मतलब ऐसे कर दिया, अब बर्बाद कर रही हो, फिर हिस्सा उसको क्यों दे रही हो। ऐसे करके माँ बाप से वो रिश्ता तोड़ के चले गए।
और बहन के साथ भी रिश्ता तोड़ दिया। उसका बहन बहुत रोई, हमारा कोई कसूर नहीं, हमने कभी बोला नहीं हमको प्रॉपर्टी से हिस्सा चाहिए, हमने किसी को सिखाया नहीं, किसी को समझाया नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं दिया कि हमको प्रॉपर्टी चाहिए, हमको दो, पापा कब किए हमारे नाम पे प्रॉपर्टी, हमको कोई आइडिया नहीं किया उसके बात पर। सबको यही लग रहा था, मतलब वो सिखा कर प्रॉपर्टी ले गए, बहन के साथ भी रिश्ता तोड़ दिए, माँ बाप के साथ भी रिश्ता तोड़ दिए। ऐसे करके वो बेटी की शादी हो गई, बेटी भी बुलाने लगी माँ को, हमारे साथ आके रहो, हमारे हम तो जॉब पे चले जाते हैं, हमारे बच्चे को कौन देखेगा, आजकल तो नौकर के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, बच्चे भी डिप्रेशन में रहेंगे, तो आप रहेंगे मतलब ब्लड रिलेटिव है, तो बच्चे थोड़ा अच्छे से रहेंगे, हम भी थोड़ा सुकून फील करेंगे। इसी के दौरान क्या हुआ, वो नाना नानी को छोड़ के उसके मम्मी उनके साथ रहने लगी, उसके नाना नानी भी अकेले है। कहते हैं ना, इस जन्म का पाप हमको इस जन्म में भुगतना पड़ता है, ठीक है। वो गुस्से गुस्से में देखिए कितना लोग मतलब बर्बाद हो गए। उसके पति ने गुस्सा करके बीबी के ऊपर हाथ उठाया, गुस्सा करके उसके ससुर ने जमाई के ऊपर हाथ उठाया, गुस्सा करके उसके पति ने इलीगल कॉन्टैक्ट में थी दूसरी लड़की के साथ, गुस्सा करके उसके पत्नी ने उसका पति का साथ नहीं दिया, और गुस्सा करके उसके भाई ने माँ बाप से रिश्ता तोड़ लिया, बहन के साथ रिश्ता तोड़ लिया। कभी ना कभी उनके माँ मतलब बेटा लोग को एहसास होगा माँ बाप के लिए। उसका माँ बाप ने बोले, हम कुछ गलत नहीं किए हैं, हम चार बच्चे पैदा किए हैं, सबको हम बराबर दिए हैं, ऐसा नहीं कि लड़की है मतलब तुम मजबूरी है तेरी तो इसलिए हम तुमको दे दिए, हमारी वजह से लाइफ खराब हुआ तुम्हारा, वो तुम्हारे पति का तो पैसा तुमको पेंशन मिलता है, खुद का घर रहेगा तो कल को बेटी किधर तुमको रखेगा, नहीं रखेगा, किधर चला जाएगा, तुम खुद का घर में मतलब आखिर सांसें ले सकते हो, हमको मतलब तुम रखो या ना रखो, हमको देखो ना देखो, हमसे कोई मतलब नहीं, हमारा दिल चाह रहा है, हमारा हमको खुद को सेटिस्फेक्शन के लिए हम तुमको दे रहे, तुमको रखना पड़ेगा, हम ये प्रॉपर्टी बेटे के नाम पे नहीं करेंगे, उनको ऑलरेडी हम दे दिए हैं। सबको मतलब वो माँ बाप को जिस लड़की ने माँ बाप बोल के पति को छोड़ दिया था, आखिर टाइम में उसका माँ बाप पास भी नहीं रह पा रही, वो बूढ़ा बूढ़ी हो गए, वो खुद सब कुछ कर रहे, और ना तो वो पति के साथ दे पाई, ना माँ बाप के साथ दे पाई, ना कुछ कर पाई। और जो पति इतना अकड़ दिखा रहा था, मतलब पैसा है हम कुछ भी कर सकते हैं, वो 2 साल तक बीमारी से जूझता रहा, उसका बीबी उसका बहुत मतलब सेवा की, उसके बाद उसका जान गया, वो जितना पाप किया था इधर ही वो भुगत कर गया। सब कुछ भुगतना पड़ता है इधर, हम सही करें या गलत करें, हमको सब कुछ फल इधर ही मिल जाता है। और बात रही गुस्से की, तो गुस्से पर हमेशा कंट्रोल करना चाहिए, कोई भी डिसीजन गुस्से के टाइम में नहीं लेना, गुस्सा तो बहुत आएगा, मान लो कुछ हो जाता है आपके साथ, गलत हो जाता है तो आपको गुस्सा तो आएगा, लेकिन उस टाइम में थोड़ा हाथ पर कंट्रोल रखना और जुआ पर भी। उसके बाद कुछ घंटों के बाद आपका गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब सोचना जो मैं सोच रही थी करने के लिए, जो सोच रही हूँ मैं करने के लिए, क्या वही सही है? अंदर से आपकी आवाज़ आएगी ना, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। बाय बाय।